वेबिनार एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल इंदौर हाईवे पर चल रहे अवैध हुक्का बार पर पुलिस का छापा। आरबीआई जल्द जारी करेगा 20 का नया नोट। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में उत्तर भारत। तो अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजधानी भोपाल में नए साल को लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। हुक्का पदार्थ जब्त किया गया है। खजूरी पुलिस के अनुसार इस रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब और हुक्के दिए जाने की सूचना मिली थी। नई दिल्ली भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 20 रुपए का नया नोट जारी करेगा। केंद्रीय बैंक के एक दस्तावेज से इसकी जानकारी हुई। आरबीआई पहले ही 10, 50, 100 और 500 रुपए के मूल्य के नए नोट जारी कर चुका है। इसके अलावा 200 और 2000 रुपए के नोट भी जारी किए गए हैं। 20 रुपए का यह नया नोट महात्मा गांधी नई सीरीज में जारी होगा। नई दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। साथ ही घने कोहरे की वजह से विमानों की आवाज ही प्रभावित हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ अन्य राज्यों में भी लोगों का ठंड से बुरा हाल है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज आई की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।